तो आज हम सच हम नहीं, सच तुम नहीं इस कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार ये जो रचना है तीसरी है, और इस रचना के रचयिता डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हैं। और कोई भी रचना देखते समय पहले रचनाकार के बारे में थोड़ा सा परिचय देखना बहुत जरूरी है, और उनका जो साहित्य जगत के बीच जो उन्होंने कार्य किया है ये परिचय हो जाने के बाद कोई भी रचना समझ कर लेने में बहुत आसानी हो सकती है। तो प्रस्तुत रचना के रचयिता डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ये उत्तर प्रदेश के रहे हैं, और प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके मुख्य प्रवर्तकों में आपका नाम लिया जाता है। नई कविता की जो शुरुआत है, जैसे कि हिंदी साहित्य के बीच अलग अलग प्रकार की काव्यधारा है, उनमें से छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, ये अलग अलग काव्य परंपरा के अलग अलग ऐसे कवि है। तो प्रस्तुत इस रचना के रचयिता डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ये प्रयोगवाद के बाद नई कविता के यानी क्या है प्रमुख कवि के रूप में इनको हिंदी साहित्य जगत में जाना जाता है। तो प्रस्तुत इस लेखक के एक कवि के संदर्भ में जानकारी हासिल करने के बाद हम प्रस्तुत रचयिता के प्रमुख कृतियों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देखेंगे, जैसे कि नाव के पांव, शब्ददंश, हिम, हिमवृद्ध, गोपा गौतम, ये इनके प्रसिद्ध ऐसे काव्य संग्रह है जो कि प्रस्तुत ये जो रचना है सच हम नहीं सच तुम नहीं ये जो कविता है नाव के पांव इस कविता के कविता संग्रह के बीच में से ली गई है। अब देखेंगे कि प्रस्तुत ये जो रचना है नई कविता, इस नई कविता के जो अलग अलग प्रकार के कवि हैं प्रमुख रूप से जगदीश गुप्त जी हैं, उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं और विजय देव साही हैं, ये नई कविता के प्रमुख ऐसे कवि माने जाते हैं। तो ये वाइस विधा के संदर्भ की बात हुई। अब प्रस्तुत जो रचना है सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता का थोड़ा सा थोड़ी सी मूल संवेदना क्या है ये जानकर हम ले लेंगे। प्रस्तुत इस रचना में कवि लेकर कविता में जगदीश गुप्त जी ने क्या बतलाने की कोशिश की है, तो प्रस्तुत इस रचना में कवि ने जीवन एक संघर्ष है ये बात यानी क्या है बताने की कोशिश की है, और जीवन की सच्चाई संघर्षी है, और इस कविता के माध्यम से एक लोगों को आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणादायी बात यानी कही गई है जो कि जीवन का सच यानी क्या है संघर्ष है। तो जीवन के अंतर्गत अनेक प्रकार की मुसीबतें कठिनाइयां आ जाती है, और जो इसे न घबराते हुए न रुकते हुए जो आगे बढ़ता है
व्यक्ति जीवन का संघर्ष कर सकते हैं, ये मौलिक बात प्रस्तुत इस रचना में या कविता में बताने की कोशिश की है। जीवन का यानी जीवन की परिभाषा यहां करने की उन्होंने कोशिश की है और जीवन का आदर्श क्या होता है ये भी बात यहां गुप्त जी ने इस रचना में कविता में स्पष्ट किए हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रस्तुत ये जो कविता है जीवन संघर्ष की एक कहानी है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों कि प्रस्तुत ये जो कविता है सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता की काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी ने हमें प्रेरणादायी कौन सी बात बताने की कोशिश की है जीवन को लेकर। वैसे तो बात यह है कि हरे अनेक ऐसे कवियों ने विद्वानों ने पंडितों ने जीवन की अलग अलग प्रकार की परिभाषा की है। जीवन एक रण संग्राम है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक युद्ध भूमि है, जीवन एक यानी क्या रंग भूमि है, जीवन एक कर्म भूमि है, ऐसे अनेक प्रकार की बातें अनेक साहित्य जगत के अलग अलग कवियों ने विद्वानों ने कही गई है। तो ठीक उसी के अनुसार यहां गुप्त जी ने भी एक बात कही है कि सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता के माध्यम से ही माध्यम से जीवन की परिभाषा यहां करने की कोशिश की है। जीवन का यानी जीवन का वास्तव क्या है ये बताने की यहां कोशिश की है। तो कुछ पंक्तियों को लेकर हम देखना चाहेंगे। मैं पहला पद इसका प्रकट वाचन करूंगा और उसके बाद यानी क्या है इसका भावार्थ क्या है ये समझ कर लेने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला पद क्या है यानी कुछ पंक्तियां इस कविता की, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम, हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम, जो व्रंत से झरकर कुसुम, जो पंत भूल रुका नहीं, जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, यानी सच है सतत संघर्ष। तो इन पंक्तियों को लेकर हम देखना चाहेंगे। तो प्रस्तुत इस पंक्ति में अगर देखा जाए तो नत इस शब्द का जो अर्थ है यानी इसका अर्थ यह है कि झुकना, व्रंत का अर्थ है डाली और कुसुम का अर्थ है फूल और पंत का अर्थ है रास्ता मार्ग। तो इतने ही कठिन शब्द है जो कि अब इन काव्य पंक्तियों को लेकर हम देखना चाहेंगे। तो कवि जगदीश गुप्त जी जैसे कि मैंने बताया कि जीवन की अलग अलग परिभाषा अलग अलग कवियों ने की विद्वानों ने की, प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से कवि जो कहना चाहते हैं सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष। तो देखिए कि सच हम नहीं सच तुम नहीं ये जो पहली पंक्ति है इसका अर्थ क्या है, सच हम और तुम ऐसा जो शब्द प्रयोग किया है बहुवचन के माध्यम से किया है, ना तुम ना मैं सभी लोग, इसी इसके यानी इस पहले पंक्ति का जो अर्थ है या इस शीर्षक का जो अर्थ है इसी तरह से है, सच है सतत संघर्ष, ये संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। तो ये जो जीवन है कि
मनुष्य मानवीय जीवन जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो उसके बीच की रेखा है उसी को जीवन कहा जाता है। और इस जीवन में मनुष्य को कदम कदम पर अपने जीने के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए यानी संघर्ष करना पड़ता है, कुछ कार्य करने पड़ते हैं। और जो यानी क्या है, हमारे देश समाज अपने जीवन के लिए कुछ नव निर्माण करने के लिए काम करता है, उसी का नाम है संघर्ष। और ये निरंतर सतत यानी निरंतर संघर्ष करना चाहिए, लगातार संघर्ष करना ही जीवन का नाम है। एक बात यानी मुझे अच्छी तरह से याद आती है इतिहास के पन्नों की, हिटलर ने एक बात कही थी इस जीवन को लेकर, उन्होंने एक बात कही थी, कौन सी बात कही थी, जिसे जीना है उसे संघर्ष करना पड़ेगा, जिसे जीना है उसे संघर्ष करना पड़ेगा, और जिसकी इसकी तैयारी नहीं है वह उस व्यक्ति की जीवन जीने की लायक ही नहीं है। इसी प्रकार की बात अडॉल्फ हिटलर ने कही थी। तो इसका अर्थ क्या है, तो लगातार निरंतर संघर्ष करना यही मानव के जीवन की सार्थकता है। और यही बात यहाँ गुप्त जी भी यानी बताना चाहते हैं। वे क्या बताते हैं, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, ऐसा क्यों कहते हैं कि भी हर एक व्यक्ति को इस धरती पर जो जो भी अवतारित हुआ है यानी कि मनुष्य, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई एक कर्म होता है, अपना अपना कर्म होता है, अपने अपने एक मंजिल होती है, अपने अपने एक यानी क्या है उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए यानी क्या है हर एक मनुष्य लड़ता रहता है, हर एक मनुष्य कर्म करता रहता है। और ये बात जो है कि इसके बिना जिंदगी अधूरी है, ऐसा कभी कहते हैं संघर्ष के बिना, नहीं तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बिना संघर्ष का जीवन बड़ा सुखमय ऐसा मानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। यहां कोई बताते हैं जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है उसका जीवन यानी क्या है शून्य है, इसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो यही बात यानी क्या, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, किसी को भी यानी क्या हम यानी तुम, यानी क्या जो बड़े हैं उनको संघर्ष नहीं होता है, जो छोटे हैं उनको संघर्ष होता है, ऐसा कोई भेदाभेद की बात नहीं है। चाहे यानी क्या निम्न स्तर के लोग हो, मजदूर हो, या चाहे यानी क्या है उच्च भूखे यानी लोग हो, हर एक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बिना जिंदगी सार्थक नहीं होती। तो कभी अगली पंक्ति में क्या बताते हैं, जो में हम देखेंगे अगली पंक्ति के माध्यम से यहाँ गुप्त जी क्या बताना चाहते हैं, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। तो कभी कौन सी अनुभूति हमें बताना चाहते हैं जो कि इस संघर्ष में इस जीवन जीते समय अनेक प्रकार के मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयां हैं, जीवन का जो रास्ता है आसान नहीं है, जीवन का रास्ता केवल बगीचे के माध्यम से गुजरता नहीं है, जीवन का रास्ता कभी बगीचे के माध्यम से गुजरता है तो कभी यानी कांटों के माध्यम से गुजरता है, कभी पहाड़ों के बीच में से गुजरता है, कभी रेगिस्तान से गुजरता है। तो ये कठिनाइयों को देखने कुछ लोगों का स्वभाव होता है, कभी का अनुभव बहुत बड़ा है, गहरा है, कभी बताते हैं कि कुछ लोग यानी क्या कठिनाइयों से संकटों का सामना यानी करने यानी संकट आ जाने के बाद या कोई मुसीबत आ जाने के बाद यानी क्या उसके सामने नतमस्तक होते हैं, झुक जाते हैं, नत हुआ यानी क्या झुकना, और कुछ लोग यानी क्या फिर रुक जाते हैं जीवन के रास्ते पर। और ये जो कि ऐसे जो लोग हैं जो कि मुसीबत कठिनाइयों का यानी परिस्थितियों को हार कर यानी जो रुकते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इसके लिए कवि ने बड़ा सुंदर ऐसा उदाहरण दिया है। वे लोगों की उस लोगों की अवस्था कैसी होती है
जो कि डरपोकता के साथ जीते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, यानी इनके लिए उदाहरण यहाँ दिया है, व्रंत से यानी व्रंत से जर कर कुसुम, ऐसा ऐसी बात यहाँ कभी बताते हैं। व्रंत से जर कर कुसुम यानी क्या है कि फूल, जैसे कि फूल डाली से टूट जाता है तो उस पे के कुछ समय के बाद वो सूखने लग जाता है और कुछ समय के बाद वो सूख जाता है, निर्जीव हो जाता है, उसका कोई यानी क्या है अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक उसी के अनुसार यहाँ गुप्त जी बताना चाहते हैं कि जो यानी घटनाओं का सामना करने से डरते हैं, रुकते हैं, परिस्थितियों से हार जाते हैं, ऐसे व्यक्ति टूटे हुए फूलों के समान मृत होते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे लोगों के जीवन का कोई जीवन में कोई सार्थकता या उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। ये बात यहाँ आपके भी बताते हैं, जो पंत भूलत रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। अगली दो पंक्तियां, जो पंत, पंत यानी क्या है रास्ता, जीवन का रास्ता, कभी कभी यानी जीवन का रास्तों की रास्तों का चयन करते समय हम कभी कभी गलत रास्ते पर भी आ जाते हैं और फिर यानी क्या पश्चाताप के आगे में जलने लगते हैं कि मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि जो संघर्ष करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, साहसी व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वह अगर रास्ता भी मार्ग भी अगर भूल जाता है तो उस भूले हुए मार्ग से अपने मंजिल को ये लोग पाते हैं। उतनी साहसता, उतना आत्मविश्वास ऐसे संघर्ष करने वाले इन्हें लोगों के बीच होता है। हार यानी क्या है, जगह जगह पर है, कदम कदम पर है, हर समय में कोई कार्य करते समय हमेशा जीती हूं कि ऐसा जीवन में कभी होता ही नहीं, कभी हारना भी पड़ता है, लेकिन हार कर भी यानी क्या है उस रास्ते पे जाकर यानी अपने मंजिल को पाने वाले का नाम है संघर्ष। और ऐसा संघर्ष जीवन के अंतर्गत निरंतर यानी करना चाहिए, इसी प्रकार का संदेश यहाँ गुप्त जी देना चाहते हैं। जो हर देख झुका नहीं, जो हर देख झुका नहीं, एक अनुभूति यहाँ पे भी बताते हैं, ये किन लोगों के लिए है जो कि डरपोक, जिसके अंदर यह आत्मविश्वास नहीं है और कभी यानी किसी रास्ते पर यानी हर समय में जीत होती है ऐसी बात नहीं है, कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है और हार कर यानी क्या है कुछ लोग यानी क्या है फिर समाज के सामने झुक जाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया जा सकता है, कुछ असफलता किसी व्यवसाय के अंतर्गत, किसी कार्य के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत असफलता आ जाती है तो उसी को यानी क्या हारना ऐसा कहा जाता है। फिर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अब मैं इस व्यवसाय में वृद्धि नहीं कर सकता, जीत नहीं हो सकती है, शिक्षा में जीत नहीं हो सकती है, इसी प्रकार की बात यानी क्या है कुछ मानकर जीवन के रास्ते पर यानी क्या है रुक जाते हैं और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जीत मेरे नसीब में नहीं है, तकदीर के ऊपर यानी क्या है भरोसा रख कर यानी ये सारी बातें डालकर यानी फिर अपने आप को यानी क्या अलग थलग करने की कोशिश करने वाले जो लोग होते हैं ये डरपोक होते हैं और हार कर यानी अपने हार की करुण कहानी किसी को बताकर यानी क्या किसी के सामने नतमस्तक होते हैं तो ऐसा करना यानी क्या है जीवन की सार्थकता नहीं है। तो जीवन की सार्थकता है कि हार कर भी न झुकते हुए स्वाभिमान के साथ फिर उसी रास्ते पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और बहुत ही कर्मठता के साथ आगे बढ़ने का यह संकेत गुप्त जी देते हैं। तो इस पहले पद के अंतर्गत की आखिरी पंक्ति क्या है देखिए, जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन भी। कभी ये बताते कि जीवन का यानी वास्तव क्या है, जीवन का वास्तव यह है कि
जीवन और मृत्यु को लेकर यानी मनुष्य हमेशा डरता है, मृत्यु को लेकर डरता है। लेकिन मृत्यु यहाँ के भी बताते हैं कि निश्चित है, हर एक की निश्चित है। जहां जो भी यहाँ आया एक दिन उसे जाना है। संत कबीर जी ने कहा था कि ये संसार क्या है, ये संसार यानी झाड़ और झाकर है, आग लगे बरी जाना है, ऐसा संत कबीर जी ने कहा। ये सब नश्वर है, लेकिन हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है कि जब हम इस जीवन के यानी कि इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का बीच की रेखा है, उसी का नाम जीवन है। और इस जीवन में हमेशा प्रयत्नशील, क्रियाशील और आगे हमेशा बढ़ना चाहिए, कठिन परिस्थिति में बढ़ना चाहिए, बल्कि यानी कि बहुत ही संकटमय परिस्थिति में भी आगे बढ़ना चाहिए। रेगिस्तान जैसे यानी बीच में से अगर जाने की नौबत आ जाती तो भी आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा ही व्यक्ति मृत्यु पर विजय पा सकता है, ऐसे व्यक्ति मृत्यु को भी रोक सकते हैं, ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं। और जी सतत संघर्ष करने वाला ही व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। डरपोक यानी जो व्यक्ति होता है, कायर जो व्यक्ति होता है, वह अपना जीवन सार्थक कभी नहीं बना सकता है। तो यहाँ जीवन की परिभाषा करते हुए पहले इस पदों के माध्यम से गुप्त जी ने हमें क्या बताया है कि मनुष्य को हमेशा निरंतर सतत यानी क्या है संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष के बिना जिंदगी नहीं है। यानी ये जो यानी क्या धरती है, हर एक मनुष्य के लिए युद्ध भूमि है। और इस धरती पर अवतरित हुए हैं तो इस युद्ध यानी क्या धरती रूपी इस युद्ध भूमि में हमेशा लड़ना यानी का नाम है जीवन। ये जीवन का वास्तविक है। और जो लड़ते हैं, जो संघर्ष करते हैं, ये मृत्यु के ऊपर भी विजय पा सकते हैं। ये आत्मविश्वास यहाँ जगदीश गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो ये हुआ यानी क्या है पहले यानी पद के अंतर्गत की कुछ पंक्तियाँ। अब यानी पहले यानी क्या इस दूसरे कुछ यानी पंक्तियों के माध्यम से हम देखना चाहेंगे। तो कभी गुप्त जी आगे क्या अनुभूति बताते हैं अपने जीवन की, जीवन को लेकर यानी क्या बताना चाहते हैं। ऐसा करो जिसने न प्राणों में कहीं जड़ता जड़ता रहे, जो है वहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे, कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, यानी सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। ये अगली कुछ पंक्तियाँ हम देखना चाहेंगे। उसमें देखिए कि इन दूसरे यानी पद के बीच की कुछ कठिन इस पद के अंदर यानी कठिन शब्द है, उसके अर्थ पहले समझ कर लेने की कोशिश कीजिए। जड़ता यानी ठहराव, रुकना, परिस्थितियाँ यानी हालत या हालात ऐसा कहा जाता है, यौवन यानी युवावस्था, इसी प्रकार ये तीन कठिन शब्द है। तो देखिए कि जीवन की परिभाषा समझाने के बाद जीवन में संघर्ष करना या संघर्षमय जीवन जीना ही जिंदगी है, ऐसा शुभ संदेश देने के बाद अगले कुछ पदों में गुप्त जी क्या बताना चाहते हैं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। तो यहाँ कभी क्या बताना चाहते हैं, तो जीवन के अंतर्गत हमें हर एक मनुष्य ने जीवन के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारे जीवन का रास्ते पर यानी रुकावट निर्माण हो सके, रुकना पड़े। ऐसा कोई यानी क्या है काम हम न करें जिसके पश्चाताप के अग्नि में हमें ऐसा लगे कि मैंने क्या किया है, मैंने कितना गलत किया है,
और मुझे अब अगली जिंदगी हम जी नहीं सकते, इसी प्रकार की विचारधारा की रुकावट स्थिरता जीवन के अंतर्गत न आने दे, इसी प्रकार का संकेत है। दूसरी बात यानी क्या है वे बताते हैं, जड़ता यानी क्या है, स्थिरता। यहाँ यानी कवि बताते हैं, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। ये अपने आप की लड़ने की बात यहाँ कवि गुप्त जी क्या बताना चाहते हैं, जो है जहाँ इस संसार में इस देश के अंतर्गत अलग अलग प्रवर्ग यानी ये जो हमारा समाज है तीन वर्गों में बटा है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, किसान है, मजदूर है, तरह तरह के कार्य करने के, ये जो अपने आप से लड़ने की बात कही है, तो तरह तरह के काम करने वाले जो लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत यानी क्या है, वे लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, कार्य करते रहे। और कोई भी कार्य करते समय जो कि हमें अपनी कोई बदनामी का सामना न करनी पड़े, नीचे देखने का नौबत हमारे ऊपर ना जाए, और इसके कारण कभी बताते हैं कि जिंदगी रुक जाती है, ठहराव निर्माण होता है। इसलिए हर एक क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में लड़ते रहो, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो, अपने अपने क्षेत्र में लड़ते बढ़ते समय अनेक प्रकार के, ये जो आधुनिक युग है इस युग के अंतर्गत अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ हालात निर्माण होते हैं जीवन के अंतर्गत, उसमें अनेक कठिन ऐसा समय भी आ जाता है, विषम ऐसा ही समय आ जाता है जीवन के अंतर्गत, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, कभी यानी क्या है चढ़ाव उतार आते हैं। तो ये जीवन का यानी ये रास्ता है और इस रास्ते पर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, इसको लेकर यानी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी परिस्थितियां मिले, कभी यानी क्या है बगीचे के बीच में से गुजरने की नौबत यानी क्या प्रसंग आ जाता है, तो आदमी का एक स्वभाव होता है कि आनंदित हो जाता है, आनंद के मारे यानी क्या है गीत गुनगुनाने लगता है। जब काटिली यानी क्या रास्ता आ जाता है तो आदमी रोना शुरू कर देता है और कह देता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तरह तरह की परिस्थितियां जीवन के अंतर्गत आती हैं, कभी यानी कांटे चुभे कलियां खिले, ऐसे दो शब्दों का यहाँ प्रयोग गुप्त जी करते हैं। काटिली यानी क्या शूल जिसको कहा जाता है, कांटे जिसको कहा जाता है, तो जीवन के बीच यानी क्या प्रयत्न करने के बाद भी यानी क्या है चारों तरफ से कांटे यानी क्या अनेक प्रकार के संकट यानी संकट रूपी कांटे खड़े हो जाते हैं, कठिन विषम ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है। और कभी कभी यानी क्या छोटे से यानी क्या कष्ट के बाद यानी क्या है उसका जीवन यानी क्या है बगीचे के जैसा सुंदर हो जाता है, ऐसी भी बात हो जाती है। तो ये परिस्थितियां हालात समय समय के अनुसार ही बदलते रहते हैं, लेकिन हर समय में भौतिक स्थिरता रखे इंसान, हम टूटे नहीं यानी क्या है हम गिरे नहीं है। कठिन परिस्थिति आ गई लाचार हो गए, फिर यानी अच्छी परिस्थिति आ गई यानी क्या है फिर अहंकार से यानी क्या है युक्त हो गए, इसी प्रकार की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। और संदेश यानी क्या है कोई बताते हैं, यौवन का संदेश, युवा अवस्था का संदेश यह है कि जो भी जीवन के रास्ते पर परिस्थिति आ जाती है, हर परिस्थिति में डटकर जो हर हालात का जो सामना करता है यानी उसकी उम्र कितनी है ये मायने नहीं रखती है। बूढ़ा व्यक्ति भी मन से बहुत यानी क्या है युवा अवस्था में उसकी युवा अवस्था जैसी परिस्थितियाँ हो सकती है, क्योंकि उसका कार्य करने की क्षमता भयंकर होती है। इसलिए क्या है उम्र के हिसाब से युवा होना या बूढ़ा होना ये जो बात है कि यानी क्या है सामान्य लोगों के बीच इसको लेकर तर्क वितर्क लगाए जाते हैं, 50 साल की उम्र हो गई बूढ़ा हो गया, 25 साल की हो गई युवा हो गया, लेकिन यहाँ इस बूढ़े और युवा की अवस्था का यह चित्रण यानी क्या है कभी नहीं करते हैं, जो कि हर समय में कठिन परिस्थिति में चढ़ाव उतार की परिस्थिति में सुख दुख की परिस्थिति में अपने भौतिक स्थिरता और मानवता को बनाए रखते हुए और सत्य के मार्ग पर जो चलता है वह इंसान युवा कहा जा सकता है, वह युवक कहा जा सकता है। और कवि बताते हैं, सच
हम नहीं है, सच तुम नहीं है, यानी जीवन का नाम सतत संघर्ष करना है। तो कुल मिलाकर इस दूसरे पंक्ति के माध्यम से हमेशा युवा पड़ा रहने की बात और आत्मविश्वास के साथ हर हालत में यानी क्या है, इंसानियत के रास्ते पर चलने का यह शुभ संदेश दिया है। तो पहले इस भाग में इन कुछ पदों को लेकर हम देखेंगे, इसके बाद दूसरे भाग में हम अगले कुछ पदों को लेकर देखेंगे।